दोस्तों, अब तक के वर्षों में ताऊते, अम्फान, फानी जैसे अजीब चक्रवात के नाम तो आपने सुने होंगे। तो आज हम इस वीडियो में चक्रवात के नाम कैसे रखे जाते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको नया सीखने की जिज्ञासा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए। साइक्लोन के नाम देने की शुरुआत कैसे हुई? साइक्लोन के नाम देने की शुरुआत 1953 में हुई। 1953 में ऑस्ट्रेलिया में ब्रश नेता और अमेरिका में महिला के नाम पर रखा जाने लगा। भारत में चक्रवात को नाम देने की शुरुआत कैसे हुई? 2004 में हिंद महासागर के तटीय देशों ने मिलकर एक समझौता किया। वो देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड थे। बाद में ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जैसे देश भी जुड़े। अब इस सूची में कुल 13 देश है। नाम कैसे दिया जाता है? चक्रवात के नाम ऐसे रखे जाते हैं जिसमें राजनीतिक और सांस्कृतिक विवाद ना हो और उसका उच्चारण सरल हो, साथ ही 8 अक्षरों से अधिक ना हो। हिंद महासागर के तटीय हर देश 13 नाम भेजते हैं। इस तरह 169 नामों की सूची तैयार की जाती है। चक्रवात के नामों से क्या प्रभाव पड़ता है? चक्रवात के नामों से स्थानिक लोगों में ज्यादा चर्चा होने से चक्रवात प्रति अवेयरनेस बढ़ती है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में बचाव कार्यवाही और सूचन दिए जा सकते हैं। वैज्ञानिक इतिहास में बने चक्रवातों का अभ्यास कर सकते हैं।